आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स है ये। चैप्टर 10 है, एक्सरसाइज 10.1। फिल इन द ब्लैंक्स है। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज कॉल्ड। मैंने एक सर्कल है और यहां पर एक टेंजेंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अ सर्कल में हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं एक सर्कल के? एक ये हो सकता है तो एक ये हो सकता है ना, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट दो हो सकते हैं। जैसे अगर हमने यहां एक ये लिया तो दूसरा कौन सा हो सकता है? ये, तो दो हो सकते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो एक टेंजेंट जो होता है वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो इसका उत्तर है वन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब टेंजेंट को अगर हम अंदर की तरफ से ले जाएं तो ये टेंजेंट नहीं रही, इसका नाम हो जाएगा सेकेंड, SECANT। द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ पॉइंट पी ऑन अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज, यानी कि यहां पर ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये सेंटर है, ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होता है 90 डिग्री, राइट एंगल होता है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? आप जितने चाहे बना लें। एक सर्कल है, आप ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, जितने चाहे बना सकते हैं। तो टेंजेंट मतलब होता है एक लाइन ऐसी जो इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है या छूती है केवल एक जगह पे, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो इनफाइनाइट मतलब हम इसकी गिनती नहीं कर सकते कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं इस सर्कल के ऊपर। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। पहले आपको मैं फिगर दिखा देता हूं। इसमें ओ सेंटर है, एक टेंजेंट आपकी इस तरीके से ए बी है, ए और बी। अब टेंजेंट एट अ पॉइंट ए यहां पर और द सर्कल कट्स द लाइन थ्रू ओ यहां पर एट एक लाइन इस तरीके से जा रही है एट बी, मतलब एक लाइन ओ की ओ से आप बढ़ा दीजिए तो ये जो टेंजेंट है ये इसको बी पे कट करती है और इस तरीके से कट करती है कि जो ए बी है ये 15 सेंटीमीटर है। आपको ये ओ बी निकालना है। अब इसमें क्या है कि यहां से यहां तक तो रेडियस है, यहां से यहां तक आपको लेंथ दे रखी है। अब आप जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप एक सर्कल लेते हैं और टेंजेंट बनाते हैं और इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। तो आपके पास 8 ये है, 15 ये है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ओ बी निकालने के लिए आप करेंगे 8² + 15² इसका अंडर रूट। तो 8² होता है 64, 15 स्क्वायर होता है 225, इसका अंडर रूट लीजिए यानी कि 289 का अंडर रूट लेंगे, 17² आएगा, 17 आपका उत्तर आएगा इसका। यदि टेंजेंट, पहले आपको फिगर दिखाता हूं, यदि यहां पर एक टेंजेंट है इस पॉइंट पी पे, ठीक, सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है, वो कट करती है लाइन थ्रू ओ यानी कि एक लाइन अगेन इस तरीके से हमने आप बढ़ा दी और ये कट करती है इसको क्यू पे जहां की पी क्यू आपको 24 दिया हुआ है और आपको ओ क्यू, अब ये वाली संख्या दी हुई है ओ क्यू, आपको रेडियस निकालना है। तो रेडियस रेडियस निकालने का तरीका बिल्कुल सेम यही काम करेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा तो ये ओ पी स्क्वायर, मतलब ये ओ पी स्क्वायर और साथ में पी क्यू स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपका बनेगा ओ क्यू स्क्वायर यानी कि हाइपोटन्यूज स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर। तो आपके पास ओ पी स्क्वायर नहीं है, ओ पी स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब ओ क्यू स्क्वायर कितना है? 25, 25² कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए पी क्यू स्क्वायर यानी कि 24² से, 25² होता है 625, 24² होता है 576, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा 49, अंडर रूट है ही, अंडर रूट 49 होता है 7, तो ये इसका रेडियस होगा आपको यहाँ पर 7 आएगा, दिस विल बी 7। तो ये पहली एक्सरसाइज हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।